नजर झुका के चला कर जो अरे कुल की नार वही हो रे, नजर झुका के चला कर जो कुल की नार वही हो से। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों के नाम पर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक बना रखा है, और है भी हकीकत बात, कुछ साधु संत है भी जिन्होंने अपने आप ही अपना नाम खराब कर लिया है। जैसे कि आसाराम बापू जी, रामपाल जी, राम रहीम जी, और बीच में हनीप्रीत भी आ रही है, राधे मावी, ऐसी ऐसे ने भी हमारे हिंदू धर्म में नाम बदनाम करके धर दिया है बाबा के नाम पर। पर बताया प्रेमी सज्जनों कि पांच उंगली एक जैसी नहीं होती, पांच उंगली बराबर नहीं होती, हर साधु संत भी एक जैसी नहीं होते। क्या बताया पहली बात के माध्यम से, छिपामने वाली नीति यार के साथ नहीं होती, भेद छिपामने वाली नीति यार के साथ नहीं होती। के दिल में जिसके घात ना हो, दिल में जिसके घात ना हो, असली दिलदार वही हो से। नजर झुका के चला कर जो उनकी नार वही, ख्याल रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज है, वो तीन चीज कैसे कवि ने दूसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया भला।
जमींदारी जमीनों का, मात पिता की, मात पिता की करे ना सेवा, जो से काम कमीनों का, मात पिता की करे ना सेवा, जो से काम कमीनों का, देखे जाने मोल पसीनों करे, जाने मोल पसीनों का, असली सहुकार वही हो से, नजर झुका के नजर कर दो, उनकी नार वही हो से, ₹100 देते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद है। और आइए प्रेमी सज्जनों, अगर एक इंसान चाहता हो कि मुझे ये काम करना है और अगर वो काम ना हो पाए तो उसके दिल में बहुत ठेस पहुंचती है। कौन कौन से वो काम है जो इंसान करना चाहता है और आखिर नहीं हो पाते हैं, कौन कौन से काम है, तीसरी बात में क्या होता है कभी नहीं। चलूं, लेकिन कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो इंसान किसी रिश्ते के साथ में कभी लोग झोंक लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लेकिन कभी नहीं बताया चौथी बात के माध्यम से कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ में कभी भी लोग झोंक लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से रिश्ते होते हैं चौथी बात के माध्यम से ये बताया कवि ने। अंतिम
कोई से।